हरे कृष्णा। कल की क्लास में हमने अपनी बुक एक्सरसाइज करी लेसन नंबर 3 फूड की, जो कि सिर्फ बुक में ही करनी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको ईवीएस की कॉपी में लिखना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपन्स व्हेन यू डू नॉट ईट फॉर वन डे, मतलब क्या होगा अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो। इफ वी डू नॉट ईट फूड वी फील वीक एंड डू नॉट एबल टू डू हेल्दी वर्क हैवी वर्क। इफ वी डू नॉट ईट इफ वी डू नॉट ईट फूड वी फील वीक एंड नॉट एबल टू डू हैवी वर्क, मतलब अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वीक मतलब हमें कमज़ोरी महसूस होगी और हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ 3 फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो, मतलब 2 फूड के नाम लिखो जो हमें ग्रो मतलब बढ़ने में हेल्प करते हैं। ऑल पल्सेस मीन्स दाल, पीस, ग्राम, मिल्क, कर्ड, चीज़, ये वो फूड हैं जो हमें बढ़ने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली, रेगुलरली मतलब रोज़, प्रतिदिन हमें रोज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल क्यों खाना चाहिए। ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो क्या होते हैं, हमें हेल्दी मतलब स्वस्थ बनाए रखते हैं एंड प्रोटेक्ट अस मतलब रक्षा करना, हमारी रक्षा करते हैं किससे, डिसीज़ मतलब बीमारियों से, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेगुलरली खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 फूड्स दैट यू वुड ईट टू गेट एनर्जी, उस फूड के नाम लिखने हैं हमें जो हमें, जिसको खाने से हमें मिलती है एनर्जी मिलती है, तो ठीक है, राइस, व्हीट, मेज, ओट्स, ये वो फूड्स के नेम हैं जो जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। RICE राइस, राइस मतलब चावल, WHEAT व्हीट, व्हीट मतलब गेहूँ, MAIZE मेज, मेज मतलब मक्का, और OATS ओट्स, ओट्स मतलब जो, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें खाने से हमें एनर्जी मिलती है। स्टूडेंट नाउ डू ऑल द वर्क इन योर EVS कॉपी इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू। हरे कृष्णा।